मैम, सबसे पहले तो हमको इस बात का तकलीफ है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि आप मांग क्यों रहे हैं, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि बाकी लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। शिक्षा, अगर आप किसी चीज को शिक्षा देंगे, एक हायर एजुकेशन लड़का करता है, चार चार साल अगर स्टडी कर रहा होता है और उसे अपने रिजल्ट्स के लिए अगर ट्विटर पे कैंपेन चलाना पड़ रहा है, इसका मतलब सिस्टम काम नहीं कर रहा है। हम लोगों ने मिलियंस में ट्वीट किए, और मिलियंस में ट्वीट करने के बाद अगर कोई उधर से रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं आएगा तो फिर हम लोग को दोबारा ट्वीट करना पड़ रहा है, मोदी जी जवाब दो। तो ये बहुत दुखद है कि स्टूडेंट के लाइफ के साथ खेला जा रहा है, बहुत लेट लटीफी चल रही है। इसमें किसी एसएससी की केवल बात नहीं है, आप किसी भी स्टेट की वैकेंसी को देखेंगे, सब में कमोबेश यही सिस्टम चला रहा है जिसमें कोई रिफॉर्म लाने को तैयार ही नहीं है। देखिए मैम, पहले क्या था कि वैकेंसी ज्यादा थे तो थोड़ा बहुत लड़के एडजस्ट कर लेते थे, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा रहने वाले से सिलेक्शन भी ज्यादा हो जाता था। लेकिन इधर देखेंगे तो ग्रेजुअली वैकेंसी लगातार घटते गई है, और आपको जानकर ताजुब होगा मैम कि कई ऐसे एग्जाम हैं जो पिछले 5-5 साल से अटके हुए हैं। हम आपको स्पेशली बिहार के बारे में बताते हैं। बिहार एसएससी वैकेंसी निकाली थी 2014 में, आपको जानकर ताज्जुब होगा 2021 आ गया, अब तक वो क्लियर नहीं है, और अभी उसमें कई चीजें बाकी हैं। फिजिकल टेस्ट बाकी है, टाइपिंग बाकी है, मेरिट लिस्ट है, मेडिकल होगा, फिर उसके बाद फाइनली ज्वाइनिंग होगी। ये लगभग लगभग इसको हो सके तो ये लोग 2024 तक खींच ले जाए सब। तो आप बताइए, अगर किसी एक वैकेंसी को आप देते हैं और उसे 8 से 10 साल में फाइनल करते हैं, तो वो लड़का तो तब तक तो वेटिंग में रहेगा ना। अगर तब तक वो 8 से 10 साल तक जो भी वैकेंसी आएगी सब में भरेगा वो, हो सकता कि वो सेलेक्ट हो जाता और वो भीड़ कम हो जाती, तो इससे खुद एसएससी के ऊपर और जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। जबकि अगर उन्हें विद इन टाइम अगर वो उसे क्लियर कर दे तो ना ही हमें कैंपेन करनी पड़ेगी, ना ही स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ उठानी पड़ेगी, वो आराम से पढ़ेगा, जॉब लेके चला जाएगा। मैम मैम, सबको आप निजी नौकरी में नहीं ना भेज सकते हैं सबको। अगर आप ये कह देंगे कि निजी नौकरी में जाइए आप, तो उस लड़का उसी हिसाब से ना पढ़ाई करेगा। लड़के ने तो पढ़ाई किया है सरकारी हिसाब से, उसने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, रीजनिंग, ये सबको तैयारी करके हिसाब से रखा है। अगर उसको पहले ही गवर्नमेंट कह दे कि हम नहीं दे सकते हैं, तो वो लड़का निजी नौकरी के हिसाब से, कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्किल को डेवलप करेगा। अब एक लड़के ने रीजनिंग को, मैथ्स को, इंग्लिश को, जीएस को स्ट्रांग करके रखा है, अब वो जाएगा टीसीएस में जॉब लेने, वो पूछेगा तुमने ये पढ़ के लाया, इसका हमारे यहाँ जरूरत नहीं। तो जिस जैसे आप अगर क्लियर कह दीजिएगा कि नहीं हम नहीं दे सकते, तो लड़का वहां भी जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये दो दो रणनीति होती है ना, लड़के मझधार में फंसे हुए हैं। आप नहीं दीजिएगा तो बेचारा जाएगा ही जाएगा, भूखे तो मरेगा नहीं वो, या सुसाइड तो नहीं करने का वो। नहीं, और सुसाइड की सोच आनी भी नहीं चाहिए। वी डू नॉट मैम, सपोर्ट। ये जो सिस्टम है, ये मजबूर किया जा रहा है लड़कों को। क्लासरूम में आके मैम लड़के रोते हैं, ऐसे आते हैं हमको। नॉर्मल एक लड़का है, सर मेरा 200 में 200 नंबर आ रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए कि जो लड़का 200 में 200 नंबर ला रहा है वो किस तरह से पढ़ा होगा। अपना सब कुछ छोड़ दिया, कहा कि सर लॉकडाउन में हम घर नहीं गए थे, पूरा कोरोना से शहर खाली हो गया था, हम पढ़ रहे थे, मेरे मम्मी पापा के हम आखिरी सपना वो उम्मीद है। अब बताइए वो लड़का जान दे देगा अपना? और उसको अगर कोई कहेगा कि आप प्राइवेट के हिसाब से चले जाइए, तो 4 साल से बेवकूफी बन रहा था ना वो। मैम, दो तीन चीज इसमें हम कहेंगे कि लोगों का कहना है कि मोदी जी का नाम क्यों जोड़े। मैम, किसका नाम जोड़ेगा आदमी? महात्मा गांधी का जोड़ेगा, जो अभी है उन्हीं का ना नाम जोड़ेगा इंसान। आप बता दीजिए, या फिर मोदी जी बता दे कि हम किसका नाम जोड़ेंगे तो वो सुनेंगे। हम किसका नाम जोड़ सकते हैं? अभी के वक्त में हमारे लीडर वही हैं, हम उन्हीं का तो जोड़ेंगे। और रही बात राजनीति की, मैडम कोई टीचर स्टूडेंट राजनीति करता नहीं है। बंगाल चुनाव है, आप किसी एक टीचर को बोलिए जिसने बंगाल चुनाव में एक भी स्टेटमेंट दिया हो, या कोई भी स्टूडेंट हो, उसको नहीं मतलब है कि चेन्नई में क्या हो रहा है, अभी जो पांडिचेरी में क्या राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप कह रहे हैं कि टीचर्स राजनीति कर रहे हैं, मतलब हम जो वैकेंसी को क्लियर कराने की मांग की जा रही है तो उसमें राजनीति होने लगी। मैम, ये कहां से राजनीति हो सकता है? मैम, इसको कुछ नतीजा निकला भी है। मैम देखिए, रेलवे ने 2019 में एग्जाम निकाल वैकेंसी निकाली थी, और उसके बाद वो इसको डेट फिक्स नहीं कर रही थी। तो सितंबर में सारे टीचर्स ने मिलकर, जितने अभी टीचर स्टूडेंट है, सबने मिलकर आवाज उठाई और ट्विटर पे आवाज उठाई। 3 महीने बाद रेलवे ने डेट दे दिया कि हम दिसंबर से एग्जाम लेना चालू कर देंगे। तो हम लोग को लगता है कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो रिजल्ट दिया जाएगा। और रही बात, लोग कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर लेते हैं। मैडम, गवर्नमेंट जॉब या फिर एसएससी, रेलवे, बैंक, इन सब की अहमियत लॉकडाउन में लोगों को अच्छे से समझ में आ गया था, जब लाखों लोगों को भगा दिया गया था उनके जॉब से। वो प्राइवेट जॉब वाले जो हैं कम से कम कुछ तो सैलरी दे सकते थे उन्हें, वो रुक सकते थे। तो लोगों को रियलाइज हुआ, मैडम
डिमांड को आप नहीं रोक सकती है। घर के गांव की पृष्ठभूमि को रियलाइज हुआ कि घर में एक लड़का सेटल रहना चाहिए कि कल को कोई अगर मुसीबत आती है तो हमारे परिवार को रोक सकता है। अब आप उसको कहिएगा, वो भी जो लॉकडाउन का दर्द झेला है, उसको कहिएगा कि तुम प्राइवेट जॉब क्यों नहीं देख लेते हो, क्यों SSC रेलवे के पीछे पड़े हो, तो वो आपकी बात सुनेगा। मैम इसमें ना रही बात आप बिहार की कही, मैम सबकी यही प्रॉब्लम है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 2016 में SI की वैकेंसी आई थी, उसके बाद से काफी कोर्ट कचहरी भी हुआ था, तो गवर्नमेंट ने हलफनामा भी दिया था कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे। अब वैकेंसी आ रही है 2021 में, और उत्तर प्रदेश में कह दिया गया है कि दरोगा का फॉर्म मैक्सिमम 28 साल तक एज के लड़के भरेंगे। आप बताइए 2016 के बाद जो लड़के का एज होगा 27 साल, वो तो अब ओवर एज हो गया। किसकी गलती है? सिस्टम की गलती है। उसका ओवर एज कैसे हो गया? आपने 4 साल 5 साल बाद वैकेंसी निकालना छोड़ दिया। उसके बीच में तो जो लड़का 25 साल का था उसने भी ओवर एज हो गया। ये हर स्टेट की प्रॉब्लम है मैडम, राजस्थान में उठाइए, रीट पटवार हरियाणा उठा लीजिए, हर जगह का प्रॉब्लम है। और रही बात पॉलिटिकल क्या चीज है, कौन सी गवर्नमेंट आती है, देखिए मैम बात आती है कि आप उसको वरीयता क्रम में उसे प्रिफरेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इन्हें कोई स्टूडेंट्स के या इस जॉब को कोई प्रिफरेंस ही नहीं दे रहा है मैडम। जैसे आप देखेंगे कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट उसे प्रिफरेंस दे कि नहीं हमें ये चीज करनी है तो वो हो जाती है, चाहे वो किसी चीज के मैटर को लेके CBI जांच हो या फिर किसी चीज को, आप प्रिफरेंस किसको दे रहे हैं इस ये डिपेंड करता है। और रही बात नौकरशाही की, तो मैडम ये जो कर्मचारी बैठ गए हैं लोग, सबसे बड़ा चीज क्या, ये इनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम वैकेंसी क्लियर कराएं नहीं कराएं, इनको कोई जवाबदेही नहीं बन पाता है, ये सबसे बड़ी समस्या। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती जा रही है SSC वालों की। आप जैसे देखिए कोई किसी एक पॉलिटिकल पोस्ट को खाली हो जाता है तो वहां 6 महीने के अंदर उपचुनाव करा लिए जाते हैं, यहाँ पे 5-5 साल तक कोई पता नहीं चल रहा है। और हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि आपने हमसे फीस लिया है, फॉर्म भराने का पैसे लिए हैं, 600-700 रुपया 700-700 रुपया लिए हुए, वो ऐसे नहीं मांग रहे हैं अपना अधिकार, और आपको अगर नहीं लेना है तो पैसे लौटा दीजिए आप। मैंने रखता मैडम 500 लड़के आप मतलब ये गांव देखिए 500 रुपए उस बेचारे का पॉकेट खर्च आता है। हम बहुत से ऐसे लड़कों से मिले हैं जो कहते हैं कि सर हम लोग के पास आते हैं कि सर डेट खत्म हो जाएगा कुछ पैसे दे दीजिए। सोचिए मैडम ये देश की हकीकत है कि 500 रुपए उसके पास फॉर्म भरने का नहीं होता है, आता है कि सर पैसे दे दीजिए, और उसका पैसे रख के अगर कोई कहता है कि 5-6 साल तक कुछ नहीं होगा, मैडम ये क्या कर रहे हैं अंग्रेजों को? तो ये लोग हमको लगता है कि SSC और ये नौकरशाही जो है ये अंग्रेजों का भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं अत्याचार के मामले में। मैम हम क्या कह सकते हैं इसमें, खुद इंसान अंदर से टूटता हुआ लगता है पढ़ाने के बाद, मतलब क्या कर सके, लड़के एकदम मन से पढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं। गवर्नमेंट को भी इसमें आना चाहिए, सामने खुल के आना चाहिए गवर्नमेंट को, हम क्या करें, हम आपके अपने हैं तभी तो मांग रहे हैं, वरना हम लोग किसी दूसरे से कहाँ जाएंगे मांगने, चाहे जो भी स्टूडेंट जो भी टीचर है, वो एक रिफॉर्म चाहिए। आप हमसे कहिए कि भाई हम लोग को पता है कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही होती है, बट एक बार गवर्नमेंट एक डेलीगेशन कर दे कि भैया 10-15 लोग इस बोर्ड मेंबर बन जाओ, कि यहाँ आप किसी टीचर को सेलेक्ट कर दे, गवर्नमेंट खुद ही सेलेक्ट कर दे, उसमें गवर्नमेंट की बॉडीज भी रहे, यहाँ से कुछ एक स्टूडेंट्स के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव रहे, टीचर्स करें, वो अपनी बातों को रखेंगे कि कैसे किसी चीज को स्मूथ किया जा सकता है। नहीं तो ये परंपरा चलते जाएगी। ये हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि ट्विटर पे ट्रेंड कराया जाए, पूरी दुनिया देखे कि भारत की समस्या, हर व्यक्ति को अपने देश से स्वाभिमान होता है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं है, बट पानी जब सर से ऊपर चली जाती है तो क्या करेंगे मैडम।